हेलो गाइस, आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं उसका नाम है चिकन फ्राइज। सबसे पहले चिकन फ्राइज के लिए हमें अंडों की ज़रूरत है, हमें थोड़ी सी लाल मिर्ची चाहिए, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची चाहिए, थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए हमें, और थोड़ा सा जीरो मोटर चाहिए या चाइनीज सोडा आप इसे कह सकते हैं। हमें थोड़े से नींबू भी चाहिए, हमें चिकन ब्रेस्ट चाहिए बोनलेस हो ताकि फ्राइज के अंदर बॉन ना हो, और हमें थोड़े ब्रेड क्रम्स चाहिए और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए फ्राइज के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि फ्राइज के इसकी चिकन की शेप किस तरह काटनी है। हमने फ्राइज को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटना है, जिस तरह आम आलू के फ्राइज होते हैं उसी तरह, बिल्कुल जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम काट रहे हैं। और हमने फिर इसको एक साइड पर रख देना है और पूरी ब्रेस्ट को इसी तरह हमने काटते जाना है। अब हम आपको चिकन फ्राइज को मैरिनेट करके बताएंगे। हम पहले 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, एक टेबलस्पून। फिर हम 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डालेंगे। फिर हम 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, पिसी हुई मिर्ची। फिर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आप वो कम ही डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। फिर हम जीरो ऑयल डालेंगे या चाइनीज सॉल्ट एक टीस्पून, आप इसको भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर हम इसके अंदर लीमू छिड़केंगे ताकि थोड़ा टैंगी और फ्लेवर आ जाए। आप लीमू कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टैंगी और फ्लेवर चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं हम इसके अंदर 2 लीमू डालेंगे, अगर आपने और डालने का डाल सकते हैं। इसको लेना है ताकि जो पूरी जो हमने मैरिनेशन की है वो पूरे चिकन को लग जाए सही तरह। इस तरह आप देख सकते हैं हमने पूरी तरह उसको मैरिनेट कर लिया है। उसके बाद आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल देना है 1 टीस्पून। इसके साथ खाने की सॉस बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम चिली गार्लिक सॉस डालेंगे इसके अंदर, एक बाउल के अंदर। यह आपकी मर्जी है कितनी बनाना चाहते हैं उतनी। यह आपकी मर्जी, आप जितनी मतलब ज़्यादा आप ज़्यादा बनानी तो ज़्यादा डालें, कम बनानी तो कम डालें, आप मतलब क्या टेस्ट के मुताबिक आप बना लें। उसके अंदर मायोनीज डालेंगे या आप किसी भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं, हम यंग्स की यूज़ कर रहे हैं। ये भी आप काम में डाल सकते हैं जितना आपने बनानी है सॉस उसके मुताबिक। अब इसके अंदर हम मस्टर्ड सॉस डालेंगे, ये भी आप कम ही डाल सकते हैं अगर आपकी सॉस ज़्यादा या कम बनानी है, आप जितनी बनानी है उसके हिसाब से डाल दें। हम 1 टीस्पून डालेंगे, 1 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर केचप डालेंगे, जो आम केचप होती है किसी भी आप कंपनी की डाल सकते हैं, और फिर अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो आप फिर डाल दें इसके अंदर, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप कलर के मुताबिक और या कम डाल सकते हैं जिस तरह आपके कलर, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब तक ये एक अच्छा कलर नहीं पता। जिस तरह की आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है, येलोइश रेड कलर का, तो मतलब ये बिल्कुल सही बन चुकी है हमारी सॉस, बिल्कुल इस तरह सॉस बनाए बहुत अच्छी बनी है। हम ना इस चिकन फ्राइज का हम ये आलू के फ्राइज ही बना रहे हैं ताकि अच्छा टेस्ट आए, और हमने ये आलू को कट कर लिया, इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे आलू। अब हम फ्राइज को मैरिनेट कर लेंगे, और हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे बस, और हम इसके अंदर 1 टीस्पून वो डाल देंगे मस्टर्ड पाउडर, और हम इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, फिर नमक। अब हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स।
अब ये देखिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये सारे फ्राइज पे इक्वली मैरिनेट नहीं हो जाता। अब हमने इन फ्राइज को तेज आग पे फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको फ्राई कर रहे हैं। अब हम आपको इसको फ्राई करने के लिए आपको बैटर चाहिए। पहले आपने इसको एक बार अंडे में डिप करना है, फिर इसको एक बार आपने ब्रेड क्रम्स में करना है, फुली कोट कर लेना ताकि कोई भी पार्ट उसका उससे कोट ना हुआ तो फिर उसी में फ्राई नहीं होगा। फुली कोट करके आपने इसको मीडियम हीट पे फ्राई करना है, जिसका हम देख सकते हैं ये फ्राई हो रहे हैं मीडियम हीट पे। फिर इसको थोड़ी देर छोड़ दिया है जब तक आपको ये रेडी ब्राउन कलर नजर नहीं आता। ये जैसा देख सकते हैं बिल्कुल लेट हो गया, तो ये फुली कुक है तो आप इसे अपन निकाल लें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुली टेंडर है और बहुत अच्छी तरह है, बहुत जूसी है। दादी जान कहती हैं कि आप इस वीडियो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क करें।